हेलो एवरीवन, दिस इज निधि राम कुचे, एम एस सी नर्सिंग, ऑप्स एंड गायनिक। तो आज हम देखेंगे कि एलएमपी से पीरियड ऑफ गेस्ट्रेशन किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब है कि यदि आपको महिला की एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की डेट पता है, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो महिला है वो कितने वीक्स प्रेग्नेंट है या कितने महीने से प्रेगनेंसी उसको है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कैलकुलेट करना। यदि किसी कोई पेशेंट हमारे पास अचानक से आता है, तो हमें ये देखना कि उसका कोई प्री मेच्योर डिलीवरी तो नहीं हो रही है। इस प्रकार से मतलब कई चीज़ों का डायग्नोसिस करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम गेस्ट्रेशनल एज उसका निकालें। तो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। पर वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ एलएमपी कैसे पता करते हैं। तो मान लीजिए एक महिला आती है जिसका जो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मींस की जो एलएमपी है वो 1 अगस्त 2019 है। तो हमें आज की डेट में उसका पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन मतलब कि वो कितने वीक्स प्रेग्नेंट है वो हमें पता करना है। और सपोज आज जो तारीख है वो 12 मार्च 2020 है, तो आज की डेट में हमें उसका पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन कैलकुलेट करना है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसी डेट से कैलकुलेट करेंगे 1 अगस्त 2019 से। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे अगस्त जो है, अगस्त में है 1 तारीख से हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 31 डेज, उसके बाद अगस्त के बाद सेप्टेम्बर में जो है, सेप्टेम्बर में 30 डेज, अक्टूबर में है 31 डेज, नवम्बर में 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज, जनवरी में 31 डेज, फेब में 29 डेज थे इस बार, और 12 मार्च तक हम उसका गेस्टेशनल एज कैलकुलेट करें तो मार्च जो है, आज की तारीख जो है 12 तारीख है, तो इसके 12 दिन आज कैलकुलेट करेंगे। तो इन सबको हमें करना है प्लस, इन सबको हम जब प्लस करेंगे तो इसका कैलकुलेशन हमारा, इसका जो टोटल है वो आ जाएगा 225 डेज। ये हमारे पास डेज में, दैट मीन्स कि जो महिला है वो 225 डेज प्रेग्नेंट है। तो हम लोग जब ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करते हैं तो हम मेनली इसमें वीक्स में कैलकुलेट करते हैं, जो प्रेगनेंसी है उसको वीक्स में कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो 225 डेज का आ रहा है, तो अब हमें वीक्स में कैसे उसको देखेंगे। वीक्स में पता करने के लिए हम जो हमारे पास डेटा है 225 डेज डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। अगर 225 को डिवाइडेड बाय 7 किया जाए, 225 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास वीक्स में इसका डेटा आ जाएगा। दैट मींस कि 32.1 आ रहा है। दैट मींस कि जो महिला है वो 32 वीक्स प्रेग्नेंट है और 1 डे, ये उसका एग्जैक्ट उसका पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, एलएमपी की हेल्प से हमने वीक्स में कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे जितने भी मंथ्स डेट के हिसाब से जितने भी मंथ्स हो रहे थे, जितने भी डेज थे, हमने उसको पहले प्लस किया और जो भी हमारे पास डेटा आया है 225 डिवाइडेड बाय हमने उसको 7 कर दिया, तो इसके हिसाब से हमने वीक्स में कैलकुलेट कर लिया कि वो महिला 32 वीक्स प्रेग्नेंट है, 32 वीक्स प्लस 1 डे उसकी प्रेगनेंसी है। अभी इसी चीज़ को अगर हमें मंथ्स में कैलकुलेट करना होगा, मंथ्स में कैलकुलेट करने के लिए जो हमने डेज में निकाला था 225 डेज है, अगर हमें इसको मंथ में कैलकुलेट करना होगा तो हमें इसे डिवाइडेड बाय 30 करना होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 225 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 7.5। दैट मीन्स कि वो जो महिला है वो 7.5 मतलब 7.5 महीने उसको हो गए हैं। ठीक है, मंथ्स में ये निकल जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और फिर से मैं बता देती हूँ, जैसे महिला का फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब कि महावारी की जो अंतिम तारीख
अंतिम महामारी की जो पहली तारीख थी अगर वो 1 अगस्त 2019 है, तो आज की तारीख मतलब 12 मार्च 2020 को उसका कितना गेस्टेशनल एज है, मतलब उसकी गर्भावस्था की कितने सप्ताह पूरे हो चुके हैं। तो इस हिसाब से हम देख लेंगे, अगस्त से हम कैलकुलेट करेंगे कि अगस्त में 31 डेज थे, सितंबर में 30 डेज थे। इस हिसाब से हम आज तक की मतलब आज की तारीख मतलब 12 तारीख तक का देख लेंगे कि कितने डेज हुए हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास 225 डेज आए हैं, ठीक है। अगर इसी को हमें वीक्स में पता करना होगा तो हमें 225 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तो जो डेटा हमारे पास आएगा 32 वीक्स प्लस 1 डे, ये हमारा गेस्टेशनल एज निकल जाएगी वीक्स में, 32 वीक्स प्लस 1 डे, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हमें मंथ में कैलकुलेट करना है तो 225 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि LMP से एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, तो मैं आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी और ऊपर आई बटन पे भी उसकी लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।